मेथेन CH4 की संरचना का अध्ययन करेंगे। मेथेन जिसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन है और इस केंद्रीय कार्बन परमाणु से चार हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हैं, तो इस प्रकार से CH4 बना है। इसकी संरचना इस प्रकार से, इस संरचना को समझाने के लिए VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने संकरण का सहारा दिया है और संकरण के द्वारा हम इस अणु की संरचना समझते हैं। मेथेन में केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम कार्बन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन हम लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p2 है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन को बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में यदि हम चेंज करते हैं तो इस प्रकार से रहेगा और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अलग टाइप से लिखने के लिए 2s2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। इस प्रकार की व्यवस्था में कार्बन केवल 2 बंध बना सकता है क्योंकि इसके 2 जो पी कर सकें उनमें एक यूनिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो कार्बन सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस तरह जाता है क्योंकि 2s/2p की ऊर्जा लगभग समान है। इस प्रकार से बाहरी तो संयोजी कोष है उसमें 1, 2, 3 और 4 एक यूनिक इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक उपस्थित हैं और ये बंध बना है। सभी बंध की समान प्रकृति के लिए इसके अंदर ये चारों कक्षक मिलकर के sp3 संकरण बनाते हैं और sp3 संकरण के द्वारा 4 संकरित कक्षक बनते हैं। ये 4 संकरित कक्षक विभिन्न में 109°28' से व्यवस्थित हो जाते हैं और इस प्रकार से चतुष्फलकीय रूप से ये व्यवस्थित होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण इस प्रकार से हो जाता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है चारों कक्षकों में इस प्रकार से पुनर्वितरण हो जाते हैं। ये चारों संकरित कक्षक एक दूसरे से 109° का जो कोण है 109°28' इस एंगल पे ये व्यवस्थित हो जाते हैं। हाइड्रोजन इसमें जो जुड़े हुए हैं उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, यदि इसके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन परमाणु का s कक्षक या हाइड्रोजन का s कक्षक है और इसके साथ अभिक्रियापन कर लेता है जिसके कारण sp3s अभिक्रियापन हो जाता है। यहाँ पर भी sp3s अभिक्रियापन हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु के s का इस sp3 के साथ अभिक्रियापन हो जाता है, sp3s अभिक्रियापन, और इस जगह भी हाइड्रोजन परमाणु का s कक्षक अभिव्यापन कर लेता है, sp3s अभिव्यापन हो जाता है। चारों अभिव्यापन समान प्रकार के हुए हैं और चारों से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ है क्योंकि अंतर नाभिक के अक्ष पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से ये CH4 की संरचना है। इस संरचना को हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कार्बन ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एक दूसरे के साथ 109°28' का कोण बनाते हैं। इस प्रकार से ये चतुष्फलकीय रूप से सममित चतुष्फलकीय संरचना बना लेते हैं।
CH4 की चतुष्कोण की संख्या Thanks.